गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आज हमारी जीके की क्लास है और जीके की क्लास में हम करने वाले हैं फन विद राइम्स। अब देखिए, राइम्स आप बचपन से सुनते आए हो, नर्सरी क्लास में, केजी क्लास में, एलकेजी, यूकेजी, आपने बहुत सारे राइम्स पढ़ी होंगी। तो अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए, यू लर्न राइम्स इन योर स्कूल, ठीक है, आपने अपने स्कूल में बहुत सारे राइम्स सीखी है ना। डू यू इन्जॉय व्हेन यू रिसाइट देम टू योर पेरेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स को सुनाई भी है ना वो। लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द राइम्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो आपका काम है क्लास फर्स्ट वो है, यहाँ पिक्चर्स दे रखी हैं अलग अलग राइम्स की। तो यहाँ क्या दे रखा है, क्लास फर्स्ट हमें बहुत सारी राइम्स की पिक्चर्स दे रखी हैं, उनको देखना और आइडेंटिफाई करना है कि इस राइम्स का नाम क्या है। तो सबसे पहले जो पिक्चर्स दे रखी है, यहाँ पे देखिए, नर्सरी में आपने राइम्स पढ़ी है टू लिटिल डिकी बर्ड्स, पढ़ी है ना, टू लिटिल डिकी बर्ड्स वाली राइम्स है। देखिए, दो बर्ड्स यहाँ बैठी है ना, तो इसका नाम क्या है, टू लिटिल, फर्स्ट वाली राइम्स का नाम है टू लिटिल डिकी बर्ड्स। और सेकंड वाली राइम्स देखिए, यहाँ पर क्या है, ये सेकंड वाली राइम्स से आपने सुनी है ना, लिटिल जैक ऑर्नर, सुनिए। आपने सुनी है ना लिटिल जैक ऑर्नर वाली, नंबर थ्री में है, आई एम लिटिल टी पॉट, नंबर थ्री वाली राइम्स आपने सुनी होगी, ये टी पॉट वाली राइम्स सुनी है ना आपने, आई एम लिटिल टी पॉट, ये वाली राइम्स भी सुनी है आपने, नर्सरी में सुनी है या केजी में सुनी है, ये वाली राइम्स भी आपने सुनी है। तो इस राइम्स का नाम है आई एम लिटिल टी पॉट। नंबर फोर्थ पे जो राइम्स है, ये देखिए, आपने सुना होगा हिकरी डिकरी डक, सुना है ना आपने, ये वाली राइम्स भी सुनी है आपने, डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, ये वाली राइम्स भी आपने नर्सरी में केजी में सुनी होगी। देखिए पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, डिंग डोंग बेल। और नंबर सिक्स पर जो राइम्स है वो है वी विली विंकी, ये वाली राइम्स भी आपने सुनी होगी नर्सरी या केजी में, है ना। तो ये क्या थी, हमारी राइम्स की क्लास थी, इसके नाम नीचे केजी। आपका जो होमवर्क होगा ना, वो होमवर्क है, यहाँ सारी राइम्स के नाम दे रखे हैं, राइम्स के साथ आप इनकी पिक्चर्स पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, जीके की कॉपी में नीट एंड क्लीन पिक्चर्स पेस्ट करेंगे राइम्स के साथ। जैसे फर्स्ट वाली राइम्स का नाम यहाँ दे रखा है टू लिटिल डिकी बर्ड्स, यहाँ उसका नाम लिख के इसके साथ में पिक्चर्स पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से दे रखा है जैसे आई एम लिटिल टी पॉट, तो ये वाली राइम्स ढूंढेंगे इसमें और उसके बाद यहाँ सामने पिक्चर्स पेस्ट कर देंगे। क्लास फर्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है हु इज़ हु, यानी कौन है। देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चों के हमें पिक्चर्स दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखे हैं ना सारे। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द राइट नेम्स, आपको ये सेंटेंस फिल करने हैं क्या है? सही नाम के साथ। तो फर्स्ट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे नाम बता दूँ, कैरन, निकोल, क्रिस, बेन और लॉरा, ठीक है, ये इनके नाम दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, डैश इज कैरिंग बैकपैक एंड इट इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप, सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है ग्रुप में, इसने पीछे बैकपैक भी ले रखा है और ये सबसे लंबा भी है, तो क्या है, क्रिस। कौन है सबसे लंबा, क्रिस है ना, स्पेलिंग सी एच आर आई एस, क्रिस। डैश इज टॉल एज निकोल, निकोल से लंबी है, निकोल से लंबा है, और दे आर टॉलर देन द अदर गर्ल, और दूसरी गर्ल से भी टॉल है। देखिए कैरन निकोल से लंबी है और ये क्या है, लॉरा। इसका आंसर क्या है, कैरन और लॉरा। और नंबर थ्री पर, डैश इज गोइंग टू स्कूल एंड इट इज़ द सेकेंड इन द क्यू, वो डैश इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा है एंड इट इज़ सेकेंड इन द क्यू, और क्यू में लाइन में वो दूसरे नंबर पर है, तो कौन है, निकोल है, कौन है, निकोल, एन आई सी ओ एल ई, निकोल। अब नंबर फोर्थ पर दे रहेगा, डैश इज़ वेरी फ्रेंडली एंड इट इज़ ओनली पर्सन हु इज़ टॉकिंग, वो बहुत फ्रेंडली है और सिर्फ वही एक पर्सन है जो बातें कर रहा है, तो वो कौन है, वो है कैरन, स्पेलिंग के ए आर ई एन, कैरन। अच्छा, डैश हैज़ गॉट ब्लू आइज एंड इट इज़ स्टैंडिंग बिटवीन कैरन एंड क्रिस, ये क्या है, इसकी आंखें क्या हैं, ब्लू है, और ये किसके बीच में खड़े हैं, कैरन के और क्रिस के बीच में खड़ी है, तो आंसर क्या है, निकोल। देखिए कैरन और क्रिस के बीच में खड़ी है और इसकी आंखें क्या हैं, नीले रंग की हैं, निकोल आंसर है इसका। और नंबर सिक्स पे, डैश इज़ वेयरिंग ब्लू जीन्स एंड अ नाइस रेड टी शर्ट एंड इट इज़ शॉर्टर देन क्रिस, ये क्या है, देखिए इसका आंसर होगा बेन,
क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसने क्या डाल रखी है, ब्लू जीन्स डाल रखी है और रेड टी शर्ट डाल रखी है, और ये क्या है, क्रिस से छोटा है, तो आंसर क्या है इसका, बेन। डैश डैश एंड डैश आर सिबलिंग, बोथ हैव गॉट हेयर हेयर एंड ब्लू आइज, ये क्या है, ये लोग सिबलिंग है, ठीक है, और इनके क्या है, आंखें क्या है इनकी, ये हैव गॉट फेयर हेयर, इनके फेयर हेयर है, और ये क्या है, आंखें इनकी क्या है, ब्लू हैं। क्रिस कौन है, निकोल और क्रिस, देखिए पता चल रहा है देख के। और डैश है लास्ट वाला क्वेश्चन, डैश हैज गॉट ग्रीन आइज एंड कर्ली हेयर, इसकी आंखें हरी हैं और बाल भी क्या है इसके, कर्ली है, घुंघराले हैं, यहाँ देखिए दे रखा ना। तो क्लास फर्स्ट ये आपका जीके का काम था, जीके की कॉपी में करेंगे, नीट एंड क्लीन। बाय बेटा, हैव फन।